देर लगा दी तुमने चाय बनाने। समरा बाजी का फोन आ गया था अबू। कैसी है समरा, खैरियत है ना? अम्मी वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत खुश थी। खुश? मेरी बेटी के नसीब में भी खुशी लिखी है उस घर में। अम्मी प्लीज मायूसी वाली बातें छोड़ दे, मैं बता रही हूँ ना कि वो बहुत खुश थी। फोन पे बात करा दूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी। रहने दो भाई, तुम खुद ही बता दो क्या बात हुई थी। वो माँ की बीमारी का पता लगेगा तो परेशान होगी समरा। वो जेवर वाला मसला हल हो गया। कैसे? जवाद को पता चल गया ना कि समरा आप ही पर इल्जाम लगा, तो उन्होंने अपने घर में बात की, पता चला कि जेवर राशिद भाई ने लिया था। लो बताओ, हद नहीं हो गई। समरा भी कह रही थी कि तायबू तो बहुत शर्मिंदा थे और आएंगे माफी मांगने। अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बच्ची के सर से अजाब टला। अम्मी खुदा का वास्ता है, ये मायूसी वाली बात है, अब छोड़ दें, तसल्ली रखें, सब ठीक हो गया। फिर तुम्हारी माँ ने ना तो सोच सोच के बीमार कर लिया अपने आप को, और बीपी तो नॉर्मल ही नहीं हो रहा था। अभी ठीक हो जाएंगे अबू। अम्मी चलें, चाय पिए, नाश्ता भी करना, फिर दवाई भी देनी है ना आपको। अरे जवाब जो है ना, ये बहुत मुखलिस, बहुत प्यारा बच्चा। काश राशिद भी ऐसा होता, हमारा दामाद तो राशिद है। सोचना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे तो रह रहकर साथ याद आता, कितना बेहतरीन रिश्ता भेजा था अल्लाह ने। काश उस वक्त मुख्तार भाई हमारे साथ। गलत बात है आफिया, समरा का मुस्तकबिल अब राशिद के साथ है, उसके लिए दुआ करो। और ये काश लगाकर ये कुड़ना बंद करो प्लीज। चाय को ठीक नहीं बनाए बच्चा तुमने आज। चाय तो पिए। मैं इसके साथ ही आज की मीटिंग कंक्लूड करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जवाद के साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फरमाइए। फरमा नहीं रहा, इतला दे रहा हूँ। वो क्या? अम्मी अब्बा बहुत जल्द तुम्हारे घर आ रहे हैं। माफी मांगने? माफी का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे रिश्ते की बात शुरू करने आ रहे हैं। क्या? हाँ बस तुम तैयार हैं। आपको क्या लगता है मेरे अम्मी अब्बू मान जाएंगे? इतना अगर मैं अपनी अम्मी अब्बू को मना सकता हूँ, चाचा जान फयाज और चाची उनका तो कोई मसला ही नहीं। और मैं? तो कब की मानी? सच कहते हैं, कुछ फैमिली का कोई इलाज नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये कह सकती हूँ कि खुद पर यकीन है, अपनी मोहब्बत पर भरोसा और अपने फलूस पर एतबार है मुझे। और मैं जानता हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ना, उसको भी मेरी मोहब्बत पर उतना ही यकीन, उतना ही भरोसा और उतना ही एतबार है ना? बताओ है कि नहीं? अच्छा मैं फोन रख रही हूँ। खैर जवाब मत दो, क्योंकि मुझे जवाब पता है। बस तुम तैयार, हम बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाले। बस एक बात है, कनाडा में ना मैंने इतनी बेबाक किस्म की लड़कियां देखी, तुम्हारी खामोशी और ये शर्माना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए तो मैं हर किसी को कहता हूँ कि पाकिस्तान की बात ही अलग। अच्छा मुझसे पहले और कितनी लड़कियों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं आप? ये है तुम्हारी खामोशी का तोड़,
किसी को नहीं ऐसे किया आज तक और ना ही कभी किया है, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी। इस बात को कभी भूलना मत। खुदा हाफिज़। छोटे भाई से है बहुत मोहब्बत, अगर तुम्हें ना लाता ना बैठो तो वो मेरे पीछे पड़ जाता। तुम किसी गलत फहमी में ना रहना। वैसे इतने महंगे रेस्टोरेंट में आए हो कभी? तुम कहाँ होगी? आलू छोले खाने वाली कौम है? क्या खाओगी बोलो, मैं बताता हूँ। स्टेक। बोलो क्या क्या कर रहे हैं? एक मिनट में रुको, आ रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहा हूँ राशिद।